वीडियो देखने के मनोवैज्ञानिक क्या नुकसान है? जी, आजकल मोटिवेशन का जमाना है और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज के ऊपर चिल्लाते हैं, धाए धाए करते हैं। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं और उस आधार पर आप जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, तो क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, वो साइको एनालिसिस मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, मोटिवेशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये इस आधार पर फैसला होता है कि मोटिवेशनल वीडियो देख कौन रहा है। अगर कोई डिप्रेशन का मरीज मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है तो वो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखना अपराध है। मैं मोटिवेशन को अपराध की श्रेणी में ही लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि इंसान मोटिवेट होकर के कई बार ऐसे डिसीजन ले लेता है या ऐसे रिस्क ले लेता है जो जिंदगी में उसे बहुत भारी पड़ते हैं, और वही डिसीजन वही रिस्क उसके लिए फिर से डिप्रेशन में उसे घसीट ले जाते हैं। इसलिए मैं मोटिवेशन को अपराध कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो मोटिवेशनल स्पीकर बनाते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, कुछ लोग तो उनको भगवान भी मानने लग गए हैं, देवता मानने लग गए हैं, उनके लाखों मिलियन में फॉलोवर भी हैं, तो वो लोग फंसते हैं। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर वही इंसान बनता है जो खुद जीवन से निरुत्साहित हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर को सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, और मोटिवेशन के वीडियो वही देखते हैं जिनके अंदर मोटिवेशन है नहीं। तो अब देखिए, आप वीडियो से मोटिवेट हो रहे हैं, वीडियो देख करके आपको अच्छा लग रहा है, तो ये घंटे दो घंटे तो ठीक रहेगा, बाद में आप फिर से खाली हो जाएंगे। तो मोटिवेशन कभी बाहर से आती ही नहीं है, मोटिवेशन इंसान के अंदर से आती है। बाहर का आदमी, बाहर का बंदा आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपको आपके कर्म, आपके एक्शन ही मोटिवेट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान का कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आप फल के पीछे भागो, कर्म अपने आप हो जाएगा, तो ये कभी होने वाला नहीं है। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो गीता के अनुसार गलत बात कह रहे हैं। गीता कहती है कि पहले कर्म करो, फल बाद में अपने आप आ जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हैं कि फल पकड़ लो, कर्म अपने आप हो जाएगा। तो जो फल को पकड़ता है वो दुखी होता ही होता है, डिप्रेशन का शिकार होता ही होता है, घुट घुट के मरता ही मरता है। तो जितने भी लोग मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं वो अपने साथ भी अपराध करते हैं और लोगों के साथ भी अपराध करते हैं, YouTube के साथ भी अपराध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि YouTube उन्हीं वीडियो को ज्यादा आगे लेकर के आती है जिनको लोग लॉन्ग लास्टिंग वॉच करते हैं, जिन पर व्यूवर अच्छे होते हैं। और आपको भी भ्रम होने लग जाता है कि इस वीडियो को या इस मोटिवेशनल स्पीकर को लाखों लोग सुन रहे हैं तो ये ठीक होगा या ये सही कह रहा होगा। जिसके पीछे करोड़ों की भीड़ हो या करोड़ों फॉलोवर हो, जरूरी नहीं है कि वो इंसान सही बोल रहा हो। अलबत्ता बात तो ये होती है कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोवर हैं, जिसके जितने ज्यादा व्यूअर हैं, वो ज्यादा झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठे लोगों के साथ भीड़ जल्दी जुड़ जाती है। जैसे आज से कुछ सौ साल पहले गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है जिसने ये बताया था कि धरती गोल है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन करोड़ों लोग यही मानते थे कि धरती तो भाई चपटी है और सूरज ही इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो एक आदमी सही था, बाकी करोड़ों लोग गलत बिलीव में जी रहे थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो करोड़ों लोग ये मान रहे थे कि धरती तो चपटी है और सूरज ही घूम रहा है, तो सूरज घूमना आरंभ नहीं कर देगा। प्रकृति के नियम करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होने से बदलते नहीं है। इसी प्रकार मोटिवेशनल स्पीकर के साथ करोड़ों फॉलोवर आ गए तो प्रकृति के नियम नहीं बदलेंगे। जो कुदरत के विधान, जो कुदरत के नियम है, नेचुरल
लाज हैं वो हमेशा वही रहते हैं। जो इंसान कुदरत के नियमों को नहीं पहचान पाता है वो इंसान मानसिक रोगों में फंस जाता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर अप्राकृतिक बात करते हैं, अप्राकृतिक नियमों की बात करते हैं। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में क्या कोई परिवर्तन आया है, या आपको परिवर्तन का भ्रम महसूस हुआ है, या आप और ज्यादा उदासी में चले गए हैं। क्योंकि कुछ घंटे तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ घंटे तो आपको अच्छा लगता है, फिर आप कोई नया पंगा ले लेते हैं, कुछ नया ही परपंच रच देते हैं, और फिर उस नए पंगे को ठीक करने में आपके काफी महीने चले जाते हैं, साल चले जाते हैं, उससे आप और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। कि क्षण भर की मोटिवेशन आपको महंगी पड़ जाती है, इसीलिए ये मोटिवेशनल स्पीकर आपको ज्यादा डीमोटिवेट कर देंगे, इसलिए इनको सुनना अच्छी बात नहीं है। मैं भी पहले मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता था, लेकिन अब मैंने सुनना बंद कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि इनको सुनने से इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। मेरे डिसीजन भी बहुत से गलत रहे। जब मैं साइकोलॉजी का माहर हुआ, साइकोलॉजी मुझे इंसानों की प्रकृति की पता चली, फिर मेरे अंदर से ये आवाज आई कि ये मोटिवेशनल स्पीकर धर्मगुरु बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो मुझे कुछ जो मिला है, अनुभव मिला है, उसको मैं आपके साथ बांटूं, आपका भी फायदा हो। एक ही चीज आपको जिंदगी में मोटिवेट कर सकती है, या मोटिवेशन शब्द क्या कहें कि आपको जिंदगी में सही दिशा दिखा सकती है, वो है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता को सुनते हैं, अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जो जो भगवत गीता में बताया है उसको आप जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आपको फिर बाहर के इन मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कर्म ही आपको मोटिवेट कर देंगे, आपको प्रेरणा फिर अंदर से आएगी, आपकी मोटिवेशन फिर अंदर से जाग जाएगी। तो ये थी छोटी सी बात हमारी मोटिवेशन से संबंधित। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।